इतिहास इस बात का गवाह है कि कई सदियों बाद रूस और ब्रिटेन ने कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करी है और आज भी दोनों के बीच 36 का आंकड़ा लगा ही रहता है। लेकिन आखिर क्यों चलती रहती है रूस और ब्रिटेन के बीच जुबानी जंग? क्या इनके बीच की दुश्मनी सदियों पुरानी है और उसी का बदला लेने के लिए आज भी दोनों एक दूसरे से दो दो हाथ करने के मूड में रहते हैं? अगर आज के समय दोनों के बीच वॉर हो जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा या फिर दोनों का विनाश ही होगा? तो आइए जानते हैं इन बातों को डिटेल में हमारी आज की इस वीडियो में। किसी और बात पर नजर डालें उससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि रूस आज के समय अपने पड़ोसी देश यूक्रेन के साथ वॉर में उलझा हुआ है और काफी लंबे समय से इन दोनों देशों के बीच में ये युद्ध चल ही रहा है, जिसमें यूक्रेन के दुश्मन यूक्रेन को हथियार के साथ वित्तीय मदद करके रूस के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और इसी में आता है उसका लंबे अरसों से दुश्मन रहा ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम, जो कि खुलकर रूस के खिलाफ आग उगलता है और दोनों के बीच जुबानी जंग चलती ही रहती है। जब हम दोनों के संबंधों पर बात करते हैं तो एक नजर दोनों के इतिहास पर भी डालना जरूरी है। आपको बता दें, ब्रिटेन और रूस जो उस समय सोवियत संघ कहलाता था, इन दोनों के बीच 19वीं सदी के अंत में तल्खी थी, जिसमें सोवियत संघ का टूटकर कई देशों में बंटना एक बड़ा कारण था, क्योंकि ब्रिटेन ने इसका सपोर्ट किया था। इसके बाद कई छिटपुट घटनाओं और राजनीतिक एक्टिविटीज की वजह से दोनों के बीच तल्खी बनी ही रही। बात जब साल 2000 के बाद की आती है तो इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से सुधरने लगे, जिसका सबसे बड़ा कारण था ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, जिन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर काल में रूस की यात्रा भी करी। ऐसा कहा जाता है कि रूस को ऐसा लगता था कि टोनी ब्लेयर रूस को दुनिया की राजनीति में पहचान बनाने में मदद करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ वर्षों बाद अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया, जिसमें ब्रिटेन की सेना ने भी भाग लिया और इससे रूस नाराज हो गया। उसके बाद इनके बीच संबंध कभी भी नहीं सुधरे। इसमें अमेरिका की ब्रिटेन के साथ नजदीकी भी कही जाती है, जो कि रूस का दुश्मन था। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के भी कार्यकाल में ये संबंध नहीं सुधर पाए, जो अब भी रूस के प्रेसिडेंट हैं। अगर हम दोनों देशों की ताकत की बात करें तो इकोनॉमी के मामले में दोनों देश काफी मजबूत हैं और उनकी सेनाएं भी आधुनिक हथियारों से लैस हैं। सबसे खास बात तो यह है कि दोनों ही परमाणु हथियारों से संपन्न देश हैं। अगर पावरफुल हथियारों और उनकी संख्या की तुलना करें तो ब्रिटेन रूस के आगे कहीं भी नहीं टिकता है, क्योंकि रूस दुनिया में एटम बम रखने के मामले में पहले नंबर पर आता है। वहीं ब्रिटेन इससे कोसों दूर है, जहां ब्रिटेन नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, वहीं रूस इससे दूर रहता है और नेटो से रूस की पुरानी दुश्मनी है। इसके अलावा नेटो के सभी देश ब्रिटेन और अमेरिका का साथ देते हैं, लेकिन रूस भी अकेला नहीं है, उसके दोस्त भी कुछ कम नहीं है, जिसमें नॉर्थ कोरिया, चीन और ईरान जैसे देश आते हैं। रूस और ब्रिटेन के पास खतरनाक पनडुब्बी, फाइटर जेट्स, टैंक्स और दूसरे हथियार हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब रूस दुनिया की दो सुपर पावर्स में से एक था, जिसमें से दूसरा अमेरिका था, और ब्रिटेन अमेरिका के पाले में था और आज भी उसी के पाले में ही है। जब रूस के साथ ब्रिटेन की जुबानी जंग होती है तो अमेरिका ब्रिटेन के सपोर्ट में आ जाता है। अब अगर हम रूस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध की बात करें तो लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं, और आप भी पढ़ ही जाएंगे। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन क्यों? देखिए, इसके बारे में कहा जाता है कि दोनों देश एटॉमिक हथियार रखने वाले देश हैं और एटम बम की ताकत कितनी खतरनाक है ये बात आप अच्छे से जानते ही हैं। अगर दोनों के बीच वॉर हुई तो कोई भी नहीं बचेगा, इसीलिए दोनों देशों के बीच वॉर होना आसान नहीं है। युद्ध होता है या नहीं होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप इस बारे में हमें अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।